ओके जी रोजे, मैं आपको घर के कामों के अलावा बाहर के कामों के लिए भी जाना ही पड़ता है। हालांकि गर्मी बहुत शदीद है, लेकिन मुझे मेरे बेटे के हेयर कट के लिए जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कहीं हुआ बेटा, देर हो रही है, कम डार्लिंग, चलो। अब तो कंप्लीट हो गया हाफ काम अपनी रोड, फिर मम्मा घबराती है ना आप रोते हो तो। जी आज इफ्तारी में बर्तनों की जो थीम है वो येलो रखी है मैंने, येलो एंड ऑरेंज, तो ये भी नई न्यू ट्रे में लेके आई थी रमज़ान के लिए। आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी लगी थी मुझे, और इसमें आप मुख्तलिफ़ तरह थीम है तो आप मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं वो थीम रख सकते हैं। इसके साथ ही येलो बाउल लिया है मैंने, येलो येलो मैचिंग हो गई येलो कलर का, और इसके साथ जो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन में दूंगी, ग्लास जो है ये ऑरेंज कलर में मैंने लिया है। तो हमारा आज का जो है बर्तन बहुत प्यारे होने वाले हैं इफ्तारी में, येलो अट्रैक्टिव लगते हैं ना इस तरीके से, येलो एंड ऑरेंज जो है ना मिक्स हमारे बर्तन आज के होंगे। अच्छा जी, यहाँ पकौड़ों के लिए जो है ना मैं आलू काट रही हूँ, क्योंकि आज मेरा ना आलू के पकौड़े खाने को सेपरेट जो होते हैं वो बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो झटपट जो है ना आलू काट लेते हैं, और साथ में जो है ना अनियन के रिंग्स काट लूँगी, उससे बैटर में डिप करके फ्राई कर लूँगी, तो अनियन रिंग्स फ्राई हो जाएंगे बेसन में और आलू के जो हैं ये पकौड़े हो जाएंगे। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, इस वजह से मैंने कहा कि चलो ये जो है बना लेते हैं। प्याज की कटिंग कर लेते हैं रिंग की फॉर्म में, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से रिंग रिंग, डिप करके फ्राई कर लेंगे तो बहुत उस वक्त जो है ना करारे लगेंगे। ये हरी मिर्च भी मैंने ले ली है, उसको मैं कट लगा लूँगी और इसमें मसाला जो है चाट मसाला भर के बेसन लगा के जो है इसको फ्राई करूँगी, इसकी सीड्स मैं रिमूव कर दूँगी। ये पकौड़े अब हम बनाना शुरू करते हैं। आलू मैंने कटिंग कर ली है और बेसन का लिक्विड जो है ना मैंने ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा रनी बनाया है और ना बहुत गाढ़ा, बस मीडियम सा बनाया है। आपके सामने ही जो है मैं फ्राई कर रही हूँ ये पकौड़े। एक बैच तो एटलीस्ट हम डाल दें कि फ्राई होता रहे पकौड़ों का, आलू के पकौड़ों का ही जो बैटर मैंने बनाया है इसमें मैंने सिंपल नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं ऐड किया, और थोड़ा सा जो है वो मेरे ख्याल से मीठा सोडा मैंने ऐड किया था, दैट्स इट। हल्की आँच पर फ्राई करेंगे आलू के पकौड़ों को ताकि ये गल जाए। बड़ी कढ़ाई है, सारे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह एक ही दफा में, उम्मीद तो है, स्पेस ज्यादा है ना कढ़ाई में। आलू के पकौड़े जो हैं वो फ्राइंग स्टार्ट हो गई है उनकी, और जैसे आलू थोड़े नरम हो जाएंगे तो मैं इनको जो है ना टर्न करूँगी। इनको आलू के पकौड़े ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो गए हैं, तो इसको मैं जो है थोड़ा थोड़ा करके प्लेटर में जो है निकालना शुरू करूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे गोल्डन और ख़ूबसूरत से आप देख सकते हैं आलू के पकौड़े जो हैं ये रेडी हुए हैं। ऑयल वगैरह जो है ना मैं थोड़ा इसको झटक के निकालती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए,
अब क्या करें, हम लोग रह भी नहीं सकते पकौड़े खाए बगैर। जब तक पकौड़े नहीं बने ना, तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि अफतारी रेडी हुई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस किस की मेरी तरह की फीलिंग है कि जब तक पकौड़े नहीं बने ना, तो बस मज़ा ही नहीं आता। और ये मेरी वालदा को अल्लाह जन्नत बख्शे, वो भी जो है ना आलू के पकौड़े तो बहुत शौक से खाया करती थी। और वो कहा करती थी कि बेटा आलू के पकौड़े और दही बड़े चाहे थोड़े से बनाओ, बनाना ज़रूर। उनको दही बड़े बहुत पसंद थे और आलू के पकौड़े, तो वो अपनी मम्मी वाली आदतें ना थोड़ी थोड़ी बल्कि काफ़ी हद तक मुझ में आ गई हैं। ओके जी, आलू पकौड़ा इज़ आर डन। अब हम जो है प्याज के रिंग कटिंग किए थे सेम बैटर में, जो हम गोल फ्राई कर लेंगे। अनियन रिंग्स जो है ना मैंने कटिंग करके रखे थे, तो इनको एक एक करके जो है हम बेसन में जो है वो ऐड कर देंगे, सारे रिंग्स को सेपरेट करके। और इन रिंग्स को जो है हम फ्राई कर लेंगे। ये जी अनियन रिंग्स जो हैं सेम बैटर जिसमें मैंने आलू के पकौड़े बनाए थे, ये अनियन रिंग्स भी जो है ना डिप कर करके अब फ्राई कर लूँगी। मज़ेदार से जो है ना ये थोड़े हमारे प्याज के पकौड़े भी बन जाएंगे। बस हम लोग क्या करें, वो पेरेंट्स के घर से जो आदत लग जाती है ना, आदत बिगड़ जाती है आपकी, जो खाने पीने की आदत होती है, तो वो ससुराल में आके भी आपकी नहीं छूटती। वही फिर वो खाना पीना तकरीबन वही रहता है, आप कोशिश करते हो कि वही सब चीज़ें बना दी जाएं ताकि जो है मज़ा जो है। और इन्हीं सब चीज़ों में रौनक है। आप मतलब अगर बिल्कुल, बाज़ ख़वातीन मैंने देखा है बाज़ार से मंगवा लेती हैं बाज़ार का, लेकिन मैं भी मंगा लेती हूँ, लेकिन सम टाइम्स कभी कभी अगर कोई इमरजेंसी हो गई है, वरना यूजली मेरी कोशिश होती है कि घर में साफ़ सुथरा पका के जो है वो रेडी किया जाए और जो है खाया जाए। ओके जी, अब यहाँ पे अनियन रिंग्स भी फ्राई हो रहे हैं हमारे, जब रेडी हो जाएंगे तो मैं इनको प्लेटर में डिश आउट कर लूँगी। अनियन रिंग्स ऑलमोस्ट हमारे रेडी हैं। इससे ज़्यादा अगर फ्राइंग करेंगे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना कड़क हो जाएंगे, तो फिर ये खाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। थोड़े क्रंची, थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए जो खाने के लायक हों एटलीस्ट। माशाल्लाह इतनी प्यारी शक्ल है। रोजे के टाइम जो है ना तारी पकाना और फिर अपने जज्बात को काबू में रखना, देख देख के भी भूख लग रही होती है अफतारी को। ओके जी, अनियन रिंग्स जो है हमारे ये रेडी हो गए। ये हरी मिर्च मैंने ली थी और इसके अंदर मैं दही बड़ा मसाला जो है वो सिंपल दही बड़ा मसाला, क्योंकि खट्टा मैं ज़्यादा नहीं खाती, तो उसमें कोई सिरका वगैरह कुछ नहीं ऐड करूँगी मैं, सिर्फ जो है दही बड़ा मसाला मैंने इसमें ऐड किया है कट लगा के एज यू कैन सी। और इसके बाद जो है मैं इसको बेसन में डिप करके फ्राई कर दूँगी। आपका दिल हो तो आप इसमें इमली वगैरह और डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद है, तो मैं इसको बेसन में डिप करके फ्राई कर दूंगी। अच्छा जी, मिर्च का पकौड़ा भी ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, तो लेटर में मिर्च का पकौड़ा भी हम निकाल लेंगे। और देखें फ्राई होके ये मिर्च वाला पकौड़ा, इसको मैं डंडी से पकड़ के आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। ओके जी, अब ये जो है मैंने ग्रीस किए थे जो समोसे आलू से बना के, वो मैं फ्राई करने लगी। समोसे भी ऑलमोस्ट हमारे जो है वो
रेडी होने वाले हैं और उसके बाद जो है मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। ओके जी, आलू के समोसे हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तो हम इनको जो है डिश आउट कर लेंगे। गोल्डन गोल्डन हमारे जो है, एक्सेस ऑयल और घी वगैरह जो है ना वो ज़रूर निकाल लिया करें, वरना सारी टू मच ऑयली हो जाएगी। चूल्हा कर देते हैं बंद, फ्राइंग का काम कंप्लीटेड एंड हियर इज द क्रिस्पी समोसास। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज की इफ्तारी अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने रेडी कर दी है, और बस जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी सहर और अफ्तार को। ओके जी, आज भी ख़ासी मेहनत कर ली है मैंने और एज़ यूजुअल रूह अफ़ज़ा बनाया है और आलू के पकौड़े, अनियन रिंग्स एंड प्याज के पकौड़े हैं और हरी मिर्च का पकौड़ा मेरा फेवरेट, मैं अपने लिए बनाया एक। अच्छा जी, इसके अलावा आलू के समोसे बनाए हैं मैंने, खजूरें हैं एंड ये लास्ट मोमेंट पे मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने पुदीने का जो है ना हरी चटनी भी पुदीने की बना ली, रायता सा, हरी मिर्च और पुदीना वगैरह ऐड करके और एज़ यूजुअल फ्रूट चाट। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, रमज़ान के अलावा कभी भी हम लोग इतना अहतमाम नहीं कर पाते हैं, बस रमज़ान में अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत दे देता है हमें। ओके जी, आज की मेरी सहरी है और ये मेरे मायके वालों में से मेरे रिलेटिव आए हुए थे, उन्होंने मुझे जो है पका के दिया है। घर का आटा मैंने गूंद के रखा था, पराठा, ऑमलेट, चाय वगैरह। ओके जी, अब दही भी आ गया, आज तो बैठे बैठाए सहरी मिल गई।